Hello my dear students, once again welcome to my channel Query Solver. I am your educator Suren Singh and today I am going to teach you narration. Narration में आज की जो क्लास होने वाली है स्टूडेंट, ये आपका पार्ट टू है जिसमें हम बात करने वाले हैं आपके आज चेंज ऑफ पर्सन. चेंज ऑफ पर्सन की मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले आपसे ये कहना चाहूँगा स्टूडेंट, वीडियो को पॉज करें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें. अगर आप चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलती रहे. स्टूडेंट जनरली अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था जैसे कि नरेशन क्या होता है. ठीक है, तो नरेशन होता है स्टूडेंट, इसमें मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी. एक आपका हमने स्पीकर की बात की थी और आपकी ऑडियंस. ठीक है, तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होता है, जो स्पीकर जो बात बोलता है ऑडियंस उसी चीज़ को उसी के शब्दों में जो कहते हैं बोल देता है उसको हम डायरेक्ट बोलते हैं. और इनडायरेक्ट स्पीच में क्या बोलता है, जो स्पीकर जो बात कह रहा हूँ जैसे मैं, तो मेरी बात को आप अपने शब्दों में जो कहोगे वो आपका इनडायरेक्ट स्पीच होता है. जब मैंने एग्जांपल कराया था तो आपको बताया था मैंने कुछ, जैसे मैंने बोला था आपका कि आपकी रिपोर्टिंग वर्क क्या होता है, रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है. स्टूडेंट नरेशन के जो एग्जांपल में बताया था, जो रिपोर्टिंग वर्क क्या होती है, जो इनवाइटेड कॉमा से जो बाहर वाला जो भाग रहता है उसको बोलते हैं हम आपका रिपोर्टिंग वर्क बोलते हैं, और जो इन्वाइटेड कॉमा में आपका जो भाग बंद रहता है जो हिस्सा उसको हम आपका रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं. ठीक है, तो जैसे अगर आप चेंज करोगे तो चेंज ऑफ पर्सन कैसे स्टूडेंट करेंगे, तो ये आपका एक फंक्शन होता है SON, इसको हम फर्स्ट सेकंड या थर्ड बोल सकते हो. ठीक है, ये आपकी रिपोर्टिंग आपकी वर्ब है और ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है. स्टूडेंट जनरली हम बात को बहुत जल्दी फिनिश कर देंगे. ठीक है, कि जो एस मीन्स होता है स्टूडेंट आपका सब्जेक्ट, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट और नो मीन्स नो चेंज, ये इनका मीन्स होता है स्टूडेंट. एस मीन्स होता है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट और रिपोर्टिंग वर्ब का ये आपका ऑब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. अब इनकी बात हम करेंगे स्टूडेंट डिटेल में. ठीक है, फर्स्ट रूल में जैसे बताया गया जो फर्स्ट पर्सन है उसमें अगर हम चेंज करते हैं स्टूडेंट, तो उसमें चेंज क्या करेंगे, जैसे आपको पता है कि फर्स्ट जो सब्जेक्ट होता है उसमें आपका आई और हमारा बी आता है, तो इनका क्या करते हैं, अगर आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट का जो नंबर और पर्सन होता है ना उसको किसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट चेंज करेंगे, जो रिपोर्टेड स्पीच यानी जो इन्वर्टेड कॉमा का जो सब्जेक्ट है ना वो अगर आपका आई और बी है तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है, ठीक है, जो शुरू में दी गई होगी उसके अकॉर्डिंग हम चेंज करते हैं आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपके फर्स्ट पर्सन में. जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल में बताया आपको, ये डायरेक्ट है आपका, इसका मैंने इनडायरेक्ट बनाया स्टूडेंट. तो ये वाला जो पार्ट है ना आपका, ही सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम बिजी, तो ये जो स्टूडेंट आपका जो इन्वर्टेड कॉमा में जो भाग जो हिस्सा जो आपका ये बंद है इसको बोलते हैं हम आपका रिपोर्टेड स्पीच, और ये वाला जो हिस्सा बाहर है इसको बोलते हैं हम आपका रिपोर्टिंग वर्ब. ठीक है, ये आपका रिपोर्टेड है, रिपोर्टर है, और आपका ये वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब स्टूडेंट, और ये आपकी वर्ब ऑफ रिपोर्टिंग स्पीच है यहाँ पे. तो अगर हम चेंज करेंगे तो चेंज क्या करते हैं स्टूडेंट, तो जनरली जो सबसे पहला जो रूल होता है स्टूडेंट, जो आपका जो रिपोर्टेड स्पीच होता है उसका जो फर्स्ट स्टार्ट हो यानी सब्जेक्ट की बात करें तो वो आपका हमेशा कैपिटल लेटर में ही आपका लिखा जाएगा, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना. सेकंड बात होती है स्टूडेंट कि ये जो आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब दी गई है, ठीक है, जैसे यहाँ सैड दिया गया है, ठीक है, मान लीजिए अगर आपका से होता, ठीक है, या आपका सेज होता, ठीक है, या हम बात करें बिल होता, तो ये जो आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब वाला जो पोर्शन है स्टूडेंट, ये अगर आपका प्रजेंट या आपके फ्यूचर में दिया गया है, जैसे से है, सेज है आपका, बिल से है, तो इनमें क्या करते हैं स्टूडेंट, इनमें आपका कोई भी चेंज नहीं होता है. ठीक है, और अगर इनके बाद ये आपकी रिपोर्टेड जो आपकी जो वर्ब दी गई है अगर ये आपकी पास्ट टेंस में होती है तो तभी हम इसका चेंज करते हैं स्टूडेंट. अगर इसके बाद जैसे आपकी जो यहाँ पर हमने जो रिपोर्टिंग वर्ब आप यूज़ किया है जो आपकी पास्ट में है सेट, तो अगर इसके बाद स्टूडेंट अगर आपका ये हम अगर टू यूज़ करते हैं स्टूडेंट, ठीक है, तो टू के बाद एक तो बात है हम ऑब्जेक्ट यूज़ करते हैं और जब आपका टू होगा तभी इसका ये सेट का आपका टोल्ड में ये हमारा चेंज होता है. अगर सेट के बाद आपका टू नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो आप इसको टोल्ड में चेंज नहीं करोगे, सेट का आप सीधा सेट ही लिखते हो स्टूडेंट. ठीक है, और हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं और आप कंजक्शन दैट यूज़ करते हैं. जैसे यहाँ बोला है मैंने ही सेट टू मी, उसने मुझसे कहा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा आई एम बिजी, कि मैं बिजी हूँ. तो यहाँ ये स्टूडेंट ये स्पीकर ने बात की है, ठीक है, अब उसकी बात को हम इनडायरेक्ट में बोल रहे हैं यानी हम अपनी भाषा में बोल रहे हैं कि ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया दैट, ये मैंने कंजक्शन यूज़ किया, इनवाइटेड कॉमा आपका स्टूडेंट हमने हटा दिया. तो
तो मैंने बोला है कि जो फर्स्ट पर्सन है इसमें रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, आई होगा या बी होगा, फर्स्ट पर्सन में यही तो आते हैं आपके। तो इसका जो हम चेंज करेंगे, ये चेंज करते हैं स्टूडेंट हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या आपका ही, तो ही थर्ड पर्सन में, इसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर ही कर दिया। और एम का जो चेंज है स्टूडेंट हमने वॉज में और बिजी, ठीक है। तो मैंने उसकी भाषा को बोल दिया, उसने बोला था मैं बिजी था, उसने मुझे बताया, लेकिन मैंने उसे बोला कि मैंने बोला उसको, मैंने उसको इनडायरेक्ट में बोला कि ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया कि ही वॉज बिजी, कि वो बिजी था, ठीक है। तो ये था स्टूडेंट आपका फर्स्ट, कि हमें किस तरीके से चेंज करना है और किस तरीके से हम रिपोर्टिंग वर्ब का, और हमें कैसे कंजंक्शन यूज़ करना है, ठीक है। सेकेंड अगर हम बात करें, जो यह था आपका जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका सब्जेक्ट क्या है स्टूडेंट आपका यू है। अभी हमने फर्स्ट में बात की थी आई और बी की, और सेकंड में आपका आता है यू। अगर आपका यू है तो वो क्या होगा, जो आपका रिपोर्टिंग वर्ब का स्टूडेंट हमारा क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। जैसे यहाँ ऑब्जेक्ट क्या दिया गया, आपका मी है, ठीक है। तो जो ऑब्जेक्ट और पर्सन और केस के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, चेंज करते हैं। जो सेकेंड पर्सन होगा वो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होता है, और फर्स्ट वाला होता है स्टूडेंट वो आपका सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। तो यहाँ बताया मैंने एग्जाम्पल डायरेक्ट में कि ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कॉमा इनवर्टेड कॉमा यू आर लेट, कि तुम लेट हो, ठीक है। अब मैं उसी की जो ऑडियंस है, जो स्पीकर ने बात बोली कि यू आर लेट, उसने बताया कि वो लेट था, ठीक है। तो उसकी भाषा को चेंज करके यहाँ इनडायरेक्ट नरेशन में बनाया है उसने, ऑडियंस ने, कि ही टोल्ड मी। देखो यहाँ सब्जेक्ट जो कहते हो, अब सेड टू है तो सेड टू है, इसके पीछे हमने सेड के बाद क्या टू है, क्योंकि ये आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये आपकी पास्ट में, तो इसका हमने क्या बना दिया स्टूडेंट टोल्ड, और मी का हमने ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने यहाँ पर आपका कंजक्शन दैट चूज़ किया है, और अब हम चेंज कर देंगे आपके टेंस को, ठीक है। उसने बोला कि यू आर लेट, ठीक है। तो उसने हम यहाँ चेंज क्या करेंगे, अब यहाँ मी है, तो मी के अकॉर्डिंग आप देखो स्टूडेंट, ये ऑब्जेक्ट है यू, और यू का जो हम चेंज करेंगे ये आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है आपका मी, तो मी का आपका स्टूडेंट हो जाएगा आई वॉज लेट, उसने मुझे बताया कि वह लेट था। तो यहाँ आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही, उम्मीद कर रहा हूँ स्टूडेंट। और आप यहाँ बताया कि जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट आपका सेकंड पर्सन का हो मान लो, तो उसमें क्या होता है स्टूडेंट, अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर नहीं दिया गया हो, ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सेकंड पर्सन को हम सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, या तो फर्स्ट पर्सन में, या हम आपके थर्ड पर्सन में आपकी जो सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम आपका चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ बताया गया सीता सेट कॉमा इन्वर्ट कॉमा यू टीच माई सिस्टर, ठीक है। अब यहाँ आप क्या देखोगे स्टूडेंट, इसके बाद तो भाई ऑब्जेक्ट नहीं है, और सर ने बोला है कि भाई आपका जो यू है तो वो तो आपके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो कैसे चेंज करोगे, घबराना नहीं है आपको। मैंने बताया है कि हम थर्ड या आपके फर्स्ट पर्सन में चेंज कर देंगे, ठीक है। तो मतलब सीता ने कहा कि यू टीच माई सिस्टर, कि तुम मेरी बहन को पढ़ाते हो, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे, सीता सेड, अब यहाँ हमने टोल्ड नहीं किया, क्योंकि इसके पीछे यहाँ तो आपका ऑब्जेक्ट, और ना ही हमने यहाँ पर आपके टू का यूज़ किया स्टूडेंट, तो इसी इसका आपको बेहद ध्यान रखना है। सीता सेड दैट, सीता ने कहा कि आई ही, ठीक है, मैं या वह टॉट हर सिस्टर, कि वह उसकी बहन को पढ़ाते हैं। और थर्ड अगर हम बात करें स्टूडेंट, तो जो रिपोर्टेड स्पीच है उसका सब्जेक्ट क्या आपका थर्ड पर्सन है। थर्ड में क्या आते हैं आपकी ही सीट है, और जो आपके प्लूरल जो सब्जेक्ट होते हैं वो आते हैं स्टूडेंट। तो इनमें क्या, इनडायरेक्ट स्पीच में हम कोई भी चेंज नहीं करते हैं। तो सन मीन्स क्या हो गया, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट के अनुसार, और एन मीन्स नो चेंज। जैसे यहाँ बताया गया यू सेड सी रोट ए लेटर, तो यहाँ आप क्या देखो स्टूडेंट, ना तो इसके बाद ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो यू का यू और सेड का सेड, दैट कंजंक्शन लगाया हमने। तो अब आप यहाँ क्या देखोगे स्टूडेंट, ये आपका सी है जो कि आपकी थर्ड पर्सन में सिंगुलर आपका है, सब्जेक्ट है, तो इसमें हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे, बाकी आपका जो टेंस है वो चेंज हो जाएगा। सी रोट लेटर, यू सेड दैट, सी हैड रिटन ए लेटर। सेकेंड एग्जाम्पल में बताया गया यू सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, ठीक है, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, तो यू टोल्ड मी सेड टू है, तो हमने यहाँ टोल्ड मी कर दिया, कंजक्शन आपका दैट यूज़ किया, एंड सी वॉज ए ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पर्सन के जो परिवर्तन करते हैं उसमें स्टूडेंट आपके नंबर और हम उसके केस में कोई भी चेंज नहीं करते हैं। तो ये आपकी एक टेबल दी गई है, इसको हम थोड़ा समझेंगे, ठीक है। ये आपके सब्जेक्ट दिए गए फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो फर्स्ट में आपका स्टूडेंट आता है आई और बी। आई का जो आपका जो ऑब्जेक्ट केस होता है वो आपका मी होता है, और ये जो स्टूडेंट ये आपका एडजेक्टिव होता है, ठीक है, और ये आपका प्रोनाउन होता है, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। ए डी जी वी का अस आवर आवर्स होता है। सेकंड में यू का यू ऑब्जेक्ट केस होता है, और आपका एडजेक्टिव की बात करें तो आपका योर हो जाएगा, और आपके प्रोनाउन की बात करें पसेसिव में तो आपका योर्स होता है।
ही हिम हिज सी हर हर हर्स इट इट इट्स, इसका स्टूडेंट आपका प्रोनाउन नहीं होता इट का, ठीक है। और दे का देम देयर और देयर्स। तो ये तो था स्टूडेंट आपके हाउ टू चेंज द पर्सन को हम किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। सब्सक्राइब टू आवर चैनल बाय क्लिकिंग द सब्सक्राइब बटन, क्लिक द बेल बटन एंड एंजॉय द लेटेस्ट अपलोड्स फ्रॉम आवर चैनल।